Good morning, class. Welcome to this lecture of CSA 2. We will be starting the third unit today, that is entity relationship modeling. That is entity relationship modeling. Now, what is this entity and what is this relationship and what is this modeling? So, before we actually start, uh, let us remind that we have already learned the different types of database models. So, the models that we have seen were रिलेशनल मॉडल हायरचिकर मॉडल नेटवर्क मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड सो मैनी थिंग सो वन ऑफ द मॉडल दैट वी सीन वाज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यानी एक मॉडल जो हमने देखा था वो था एंटीटी रिलेशनशिप मॉडल अब उस वक्त हमने क्या किया था सिर्फ उसको हमने देखा था कि एंटिटीज रहती है और एंटिटीज एंटिटीज से कनेक्ट रहती है तो वो उतना ही सिर्फ हमने देखा था एन रिलेशनशिप मॉडल के बारे में और फिर उसके बाद में एक्चुअली हम एन रिलेशनशिप मॉडल जब यूज़ करेंगे यानी हम जब एक्चुअली एन रिलेशनशिप मॉडल यूज़ करेंगे उसको डिज़ाइन करेंगे उसके बेसिस पे हम डेटाबेस में हम डिज़ाइन करेंगे हमको डेटाबेस बनाना है और ये मॉडल यूज़ करना है एन रिलेशनशिप मॉडल तो फिर ये मॉडल हम कब यूज़ करेंगे किस कंडीशन में यूज़ करेंगे कैसे यूज़ करेंगे उसमें क्या रहेंगे टेबल्स रहेंगे या क्या रहेंगे और उसके बाद में एन रिलेशनशिप मतलब उसका मीनिंग क्या हो गया तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं दैट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग सो वी नो वी देर इज ऑलरेडी अ मॉडल वी हैव जस्ट सीन इन ओवरव्यू सिर्फ हमने देखा था कि एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है करके अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में सबसे पहले अगर हम शुरू कर दें तो यहाँ पे दो टर्म है वन इज एंटिटी अनदर इज रिलेशनशिप थर्ड इज़ मॉडलिंग तो एंटिटी मतलब सपोज हमको एक टेबल क्रिएट करना है सपोज एक टेबल क्रिएट करना है किसी एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट करना है और वो स्टूडेंट जो है तो वो हो जाएगा एंटिटी मतलब एंटिटी मतलब कह रहेगा एनी ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल इट एज एन एंटिटी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एंटिटी बोल सकते हो जैसे आपने स्टूडेंट अगर एक एंटिटी बोला तो इट इज़ ओके स्टूडेंट कैन बी एन एंटिटी स्टूडेंट इनफैक्ट इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट सो दैट यू कॉल एज एन एंटिटी सो एनीथिंग दैट इज हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी एनीथिंग दैट इज़ हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज एंटिटी सपोज अगर मैंने एक टेबल क्रिएट करना है मोबाइल तो मोबाइल भी एक एंटिटी हो गया इट हैज़ इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस इट एग्जिस्ट फिजिकली मोबाइल फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो वो हो गया एक एंटिटी तो ये पहला पार्ट था एंटिटी अब एंटिटी के अंदर क्या आता फिर एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे अगर हमने स्टूडेंट अगर एंटिटी बोला तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स मतलब फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा क्लास में है तो स्टूडेंट का एक क्लास होगा एक सेक्शन होगा एक डिपार्टमेंट होगा एक रोल नंबर होगा उसका एज होगा नेम होगा ई मेल होगा मोबाइल नंबर होगा तो ये सारी जो चीज़ें हो, ये होगी उसके एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स और हमने देखा था एट्रीब्यूट्स मतलब हमारे कॉलम्स जो टेबल हम बनाते हैं उसमें एट्रीब्यूट्स का मतलब होता कॉलम्स तो वैसे ही हम लोग जब बात कर रहे थे मोबाइल की तो मोबाइल में क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे जैसे मोबाइल कौन उसका मॉडल क्या है उसका कैमरा कितना है उसका प्रोसेसर कितना है उसकी ओएस कितनी है उसके बाद में उसकी बैटरी कौन सी उसकी कैपेसिटी कितनी है और और भी कई सारी चीज़ें उसमें कितने ऐप्स ले सकते हो उसका मेमोरी कितना है कि आ, उसका रैम कितना है प्रोसेसिंग टाइम कितना है कॉस्ट कितनी है उसका कलर कौन सा है तो ये सारे हो गए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स तो अब हमको ये तो समझ गए एंटिटी मतलब एनी फिजिकल थिंग दैट इज़ कॉल्ड एस एंटिटी एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एनी और ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एंटिटी दे आर कॉल्ड एस एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स तो एंटिटी हो गया कैरेक्टरिस्टिक हो गया सेकेंड पार्ट रिलेशनशिप अब रिलेशनशिप मतलब क्या तो अब सपोज हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट हमारा एक और टेबल है सपोज उसका नाम है कोर्स अब कोर्स मतलब वो भी एग्जिस्ट करता जैसे आपका कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इट इज अ लिविंग थिंग इट इज एन इट इज इन फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो हमने यह किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग सपोज आपका कोर्स है तो हमने एक टेबल बनाया कोर्स उसमें फिर क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल एक्स वाई जेड तो ये हो गए उसके एट्रीब्यूट्स अब उसके बाद में फिर मैकेनिकल के साथ में उसमें और क्या एट्रीब्यूट हो है सकते हैं फर्स्ट सेम सेकेंड सेम थर्ड सेम फिफ्थ सेम संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो हर किसी का अलग अलग कोर्स होगा तो उसका एक स्पेसिफिक नेम होगा जैसे कोर्स का एक आईडी होगा या फिर उसका जो हम बोलते हैं कोर्स कोड होगा तो ये हो गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट अब हमने एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ये पार्ट तो अच्छे से समझ लिया फिर रिलेशनशिप मतलब क्या होता तो अब ये जो टेबल था स्टूडेंट और एक दूसरा टेबल था कोर्स इनके बीच में रिलेशन क्या है कि स्टूडेंट जो है वो एक पर्टिकुलर कोर्स वहां पर करने वाला है स्टूडेंट इज गोइंग टू स्टडी दैट कोर्स मतलब एक स्टूडेंट है उसके कुछ तो भी एट्रीब्यूट्स हैं एक दूसरा टेबल है उसका नाम है कोर्स तो ये जो स्टूडेंट है वो उस कोर्स को स्टडी करने वाला है तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो भी रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप क्या है कि एक स्टूडेंट है वो दूसरा जो एक टेबल एक कोर्स या फिर टेबल एबल बोल जाए स्टूडेंट है स्टूडेंट एक कोर्स करने वाला है तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच के रिलेशन है स्टडी स्टूडेंट इज गोइंग टू स्टडी द पर्टिकुलर कोर्स तो एक एंटिटी हो गया था हमारा स्टूडेंट दूसरा एंटिटी हो गया था कोर्स इनके बीच में कुछ टू तो भी रिलेशनशिप था तो ये हो गया एंटिटी रिलेशनशिप और मॉडलिंग मतलब क्या होता मॉडलिंग मतलब बेसिकली जो हम ढांचा बनाते व्हाट वी डू हम जो एक स्कीम बनाते एक ढांचा बनाते ढांचा मतलब जैसे कि सपोज आपको घर बनाना है तो आप डायरेक्टली घर बनाओगे क्या? अब येमन बोलना कि सर डायरेक्टली घर ही बनाएंगे अरे मतलब उसके बेसिक प्रोसेस क्या है हाँ अब ये मत भी आना कि सर लोन लेंगे पैसे लेंगे ओके वो सारी चीज़ होगी आपके पास पैसा हो गया सब हो गया सब है सब है जगह भी है पैसा भी है और लोग भी अवेलेबल एवरीथिंग तो भी आप डायरेक्टली बनाना शुरू करोगे नहीं पहले आप क्या करोगे उसका एक ब्लू बनाओगे एक आर्किटेक्ट को बुला के आप काफ़ी सारी डिज़ाइंस बनाओगे फिर उसकी उसको ऑप्टिमाइज़ करोगे यानी अभी तक आपने घर बनाने की शुरुआत भी नहीं की लेकिन आप अभी से डिसाइड करोगे और एक प्लेन पेपर पे आप डिज़ाइन करोगे आप थ्री मॉडलिंग यूज़ करेंगे आप दिखाओगे कि देखो सर हम लोग जो घर बनाएंगे यहाँ पर गेट होगा यहाँ पर आप का लिविंग रूम होगा यहाँ पर आपका डाइनिंग होगा यहाँ पर आपका किचन होगा इस तरह का टेरेस होगा देयर वुड बी बालकनी हियर एंड दिस वन विल बी द वरांडा दिस इज ओपन स्पेस दिस इज सिटिंग एंड सो मेनी थिंग्स तो ये जो किसी आप आर्किटेक्ट को बुलाओगे डिजाइनर को बुलाओगे इंजीनियर को बनाओगे तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हो तो ये क्या कर रहे एक्चुअली वो चीज बनने के पहले आप उसको तैयार कर रहे हो एक पेपर पर तैयार कर रहे हो आप सिर्फ एक पेपर पर भी आप बना सकते हो ब्लू या फिर आप उसी पेपर को आप ड्राफ्टिंग भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर यूज करके या फिर आप सिमुलेशन भी कर सकते हो आपने कटिया या फिर और कई सारे टूल्स है सिविल के कई सारे टूल्स है तो उससे आप एक्चुअली उसको एक घर का मॉडल ही बना के दिखाओगे कि देखिए साहब आपका घर ऐसा दिखने वाला है और इवन आप उसमें कलर्स वेरिएशन एवरीथिंग यू कैन अरेंज इट आप उसको सब कुछ दिखा सकते हो तो वो हो गया मॉडलिंग तो दैट इज कॉल्ड एस मॉडलिंग तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एंटिटीज कौन से एंटिटीज जो भी एंटिटीज हम चूज कर रहे हैं उनके बीच के जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं मतलब हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि देखिए साहब हमारा जो कुछ भी मॉडल रहेगा इस तरह का रहेगा समझ में आ गया मतलब एंटिटीज ज्वाइन हो गए एक स्टूडेंट एंटिटी है एक कोर्स एंटिटी है और इनके बेसिस पे हमने एक मॉडल बिल्ड किया वो पेपर पे बिल्ड किया मॉडल तो वो हो गया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मॉडलिंग तो वो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग आए समझ में तो ये हो गया उसका बेसिक टाइटल अब देखो अब इसका डाटाबेस डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीजें आती डाटाबेस स्कीमा स्कीमा मतलब वही जो भी मैंने डिस्कस किया स्केलेटन जो उसका ढांचा बनेगा कैसा बनेगा तो अब हम बोल सकते हैं कि देखो साहब हम क्या करेंगे एक एंटिटी बनाएंगे स्टूडेंट एक एंटिटी बनाएंगे कोर्स एक एंटिटी कोई दूसरी बनाएंगे एक एंटिटी कोई तीसरी बनाएंगे तो अब मैं बताता हूँ हम जो एंटिटी ड्रॉ करते वो हम ड्रा करते रेक्टेंगल से शो करते तो ये दो सब कुछ एंटीटी हो गई इनके बीच में कुछ रिलेशन दिखाना रहा तो हम डायमंड यूज़ करते इसके एट्रीब्यूट्स के लिए हम इलिप्टीज यूज़ करते इसके लिए एलिप्स यूज करते फिर ऐसे और ये एंटीटी को हमने कहीं पे और रिलेट किया तो ये जो बनता चला गया ये हो गया और ओवरऑल एंटीटी रिलेशनशिप डायग्राम एंटीटी रिलेशनशिप डायग्राम जब इसको फुल फ्लेज में बनाएंगे कि भैया जैसे अब 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 हम डायरेक्टली इस पर आते कि हमको सब उधर स्कूल ने बोला या एक, एक इंस्टीट्यूशन ने बोला है कि हमको अब एक डाटाबेस बना के दो और हमको डाटाबेस में क्या क्या इफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए टीचर की इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहि चाहिए क्लासेस की इंफॉर्मेशन चाहिए फीस की इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे हमारे ईआरपी है फीस की इंफॉर्मेशन चाहिए उसके हमको सारे डिटेल्स चाहिए उसके बाद में उस स्टूडेंट का रेगुलर रिजल्ट हमको चाहिए उसका प्रोग्रेस हमको चाहिए उसका एक्स्ट्रा करेगरेटिव और दुनिया भरी की तमाम चीजें आपको चाहिए इंस्टीट्यूट का एग्री चाहिए टीचर का इंप्रूवमेंट हमको चाहिए स्टूडेंट के लिए क्या क्या और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वो सारे रिकॉर्ड चाहिए तो ये सब एक एक अलग अलग हम एंटिटी पकड़ेंगे जैसे हमने स्टूडेंट पकड़ा तो उसकी सारी एंटिटीज टीचर उसकी सारी एंटिटीज फिर इनको हम जोड़ के जो बना रहे एक डायग्राम दैट इज़ कॉल्ड एस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और जब हम पूरा बनाएंगे उसको कि ठीक है देखो ऐसा ऐसा, ऐसा 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 बनेगा इनके बीच ये रिलेशन रहेगा ये होगी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग तो ये हो गया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग और हम थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे तो उसमें देखो तीन बेसिक पार्ट डेटाबेस डाटा स्कीमा, स्कीमा मतलब उसका ढांचा उसके बाद में वो कंप्यूटर प्रोग्राम दैट द डाटा और ये सब हम बना क्यों रहे हम इसलिए बना रहे क्योंकि आज ना यह सब डाटा हमको रिट्रीव करना है तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो इस डाटा को रिट्रीव करेंगे सिक्योरिटी स्कीमा दैट कंट्रोल द एक्सेस ऑफ डाटा मतलब वेरी सिंपल सबसे पहले हमको डाटा बेस बनाना है और वो डाटा बेस हमको किस बेसिस पे बनाया तो हमने डिफाइन किया था कि एंटी रिलेशनशिप मॉडल हम यूज करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मतलब अलग अलग एंटिटीज के बीच में कुछ ना कुछ तो भी रिलेशनस है हर एंटिटीज के अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसका जो आपने एक थीम बनाया जो एक उसका ब्लू बनाया जो उसका आपने एक स्केलेटन बनाया जिसको हम ढांचा बोलते हैं वो हो गया आपका डेटाबेस बेस कीमा अब वहाँ वो पर्टिकुलर ढांचा यूज़ करके हमको एक बैकग्राउंड में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिससे आप वो सारी वैल्यूज इंसर्ट करोगे उसको एक्सेस करोगे एडिट करोगे अपडोट करेंगे तो आपको एक कंप्यूटर प्रोग्राम चाहिए और साथ ही साथ उसकी आपको हंड्रेड परसेंट सिक्योरिटी चाहिए कि ठीक है हर कोई तो नहीं आएगा जैसे आपके स्कॉलरशिप की आपकी फ़ीस पेमेंट की डिटेल है तो अगर आपको उसका एक्सेस दे दिया तो आप जाके कर दोगे मैंने तो फीस मैंने पूरी फीस पे कर दी तो वैसा नहीं होगा ना वो एड वो सिर्फ अकाउंट्स वालों को एडमिन वालों को ही उसके एक्सेस रहेंगे तो वो जो कंट्रोल रहेगा डेटाबेस का कि किसको कितना कहाँ पर एक्सेस देना है कौन किस चीज़ को सिर्फ व्यू कर सकता है देख कर सकता है एडिट कर सकता तो वो उसका हो गया कंट्रोल तो ऐसे तीन कंपोनेंट मिला के हमारा होता है डाटाबेस डिजाइनिंग ये थ्री कंपोनेंट दैट इज स्कीमा अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सिक्योरिटी स्कीमा डाटाबेस स्कीमा सिक्योरिटी स्कीमा एंड अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू ऑपरेट टू एक्सेस ऑल दिस तो ये सब मिलके हमारा बनता है डेटाबेस डिजाइनिंग तो ये हो गया हमारा बेसिक इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ई एंटीटी रिलेशनशिप मॉडलिंग डेटाबेस डिजाइनिंग डेटाबेस डिजाइनिंग एंड वी आर सिलेक्टिंग द मॉडल दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप अब उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं अब डेटाबेस डिजाइन का हमने फेज स्टार्ट किया तो उसके फिर बेसिक फेज में उसकी क्या क्या चीजें आती है थे? उसके पहले फिर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे और आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग में इसमें क्या आएंगे जो हमने अभी डिस्कस किया था वही सारी चीजें मतलब क्या ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट कि आपको कितने एंटिटीज चाहिए जैसे स्टूडेंट चाहिए टीचर चाहिए कोर्स चाहिए स्कॉलरशिप चाहिए कैटेगरी चाहिए उसके बाद में एक्स्ट्रा गए पार्टिसिपेश हर एंटिटीज के है जैसे प्रोजेक्ट बोला तो प्रोजेक्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट है प्रोजेक्ट मतलब

तो ये हो गए रिलेशनशिप्स उनके बीच में जो कुछ भी रिलेशनशिप्स है ये फिर हो गया आपकी रिलेशनशिप ई आर मॉडलिंग इज यूज फॉर कंसेप्चुअल डिजाइन की आपका एक कंसेप्ट बेसिकली बता दें ठीक है इट रिप्रेजेंट्स द डाटा बेस डिज़ाइन इट मैप्स द मीनिंग एंड इंटरेक्शन द रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज थिंग्स टू द कंसेप्चुअल डिजाइन फिर उसके बाद में आपने कैसे ढांचा बने लिया फिर एक्चुअली जो थिंग्स थी वो आपने पुट अप करते चले गए एक एक इसमें तो ये बन गया ई आर डायग्राम ये आपका कंसेप्चुअल स्कीमा और ये इसको मैप करता है मतलब आपने जो डा जो ढांचा बनाया वो आपने कंसेप्चुअली बनाया एक लॉजिक उसके पीछे लगा है कि ठीक है स्टूडेंट कंसेप्चुअल uh, मतलब कि आपने ये बताया कि देखो भाई अगर स्टूडेंट रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ कोर्स रहेगा उसकी कोई तो भी यूनिवर्सिटी रहेंगी तो वो उससे रिलेटेड है उनके बीच में कुछ तो भी रिलेशन है अब ये रिलेशन की बात जहाँ पर आती है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हमने देखा है टाइप्स ऑफ रिलेशन वन टू वन वन टू टू वन टू वन वन टू मैनी मैन्यू टू मैनी मैन्यू टू वन इसका मतलब स्टूडेंट का रिलेशन रहेगा सपोज टीचर से एक एक स्टूडेंट टीचर में रिलेशन है उसके अंदर स्टूडेंट कोर्स आईडी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेक्शन स्टूडेंट एवरीथिंग टीचर यूनिवर्सिटी टीचर स्टूडेंट लेकिन टीचर का डायरेक्टली स्कॉलरशिप सेक्शन से कोई रिलेशन है क्या नहीं रिलेशन है तो वहां पे टीचर का वो पर्टिकुलर से रिलेशन नहीं रहेगा तो फिर आपको रिलेशन भी डिफाइन करने पड़ेंगे तो रिलेशन हो सकते हैं रिलेशन मतलब उनके बीच में जो डेटा रहेगा जैसे टीचर का स्कॉलरशिप से कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट को कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है कितनी फीस गिर रही है ये एडमिनिस्ट्रेशन का आउटलुक है तो टीचर को ये टेबल से कोई लेना देना ही नहीं है स्कॉलरशिप तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर फिर रिलेशन नहीं आएगा तो ऐसे किसके बीच में कितने कितने रिलेशन रहेगा वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू मैनी ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो ये जो इया डायग्राम है ये सारी बातें आपको यहां पर बताएंगा मतलब या डायग्राम मतलब बेसिकली आपने कंसेप्चुअल स्कीमा बनाया एक ढांचा बनाया और उसमें दो चीज हुई है मीनिंग और इंटरेक्शन की उसका मतलब क्या और उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा अब इतना होने के बाद आई होप यू अंडरस्टूड बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी कि वॉट इज बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग ठीक है और मैं आपको ये भी बता दूँ हम जो बार बार एंटिटी 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 बोल रहे हैं अगर नहीं समझ में आता तो सिंपली समझ लो एंटिटी मतलब टेबल एक टेबल बनाओगे आप उस नाम का और उसमें सारी वैल्यूज डालोगे जैसे स्टूडेंट नाम का एक टेबल ये नाम का एक टेबल सिर्फ आप उसको जब डिज़ाइन कर रहे हैं कंसेप्ट चूलें तो आप उसको एक एंटिटी कंसिडर करके डिजाइन कर रहे हैं इसलिए ये मॉडल का नाम हो गया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ठीक है अब उसके बाद में डेटाबेस डिजाइन फेज तो डिजाइन फेज में हमको क्या चाहिए तो सपोज सबसे पहले हमको ये जो सारे पॉइंट्स हैं कि क्या फैक्टर्स रहते हैं आइडेंटिफाई डेटा नीड टू यूजर्स कि हमको किस लिए चाहिए अगर सबको आज आपको सपोज एक बैंक के लिए चाहिए तो बैंक में तो फिर आपको अलग अलग चीज़ें रहेंगी बैंक में आपको स्टूडेंट नाम का एंटिटी नहीं चाहिए बैंक में आपको टीचर नाम की एंटिटी नहीं चाहिए बैंक में आपको क्या चाहिए बैंक में आपको अलग अलग एंटिटीज चाहिए और दूसरी बात उनके बीच में रिलेशंस अलग अलग होना चाहिए मतलब आप बोलेंगे सर बैंक में एक सपोज है मैनेजर तो मैनेजर एक रिलेशन एक हो गया एंटिटी तो मैनेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे उसका नेम एज एड्रेस सारी चीज़ें और उसको हर चीज़ को एक्सेस रहेगा अब दूसरे एंटिटीज कौन से रहेंगे एक सपोज लोन नाम का टेबल है एक लोन एंटिटी है एक उसके बाद में करंट अकाउंट एंटिटी एक सेविंग्स अकाउंट एंटिटी एक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट एंटिटी उसके बाद में फिर लोन एंटिटी के अलग अलग रहेंगे बिजनेस लोन कमर्शियल लोन पर्सनल लोन हाउसिंग लोन व्हीकल लोन एंड सो मैनी थिंग्स तो उनके रिलेशन रहेंगे उसके बाद में फिर कस्टमर्स की जो एंटिटी रहेंगी कस्टमर्स में क्या करेंगे उसका नेम उस पर कौन कौन से लोन्स है उस पर या फिर उसकी कितने क्रेडिट अवेलेबल है उसको क्या इंटरेस्ट दे रहा है तो इन सब के बीच में रिलेशन तो अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है तो ये आपको अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले पूछना पड़ेगा सर आपको क्या चाहिए तो सिंपल सा एग्जाम्पल अपने कॉलेज का लेते तो हमने कॉलेज वालों ने हमको सपोज एक डेटाबेस बनाना है तो हमने बोला देखो भाई साहब हमको ये सही चाहिए कि हमको स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए चौबीस घंटे 24 घंटे मतलब उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये नहीं कि भैया कि उसको कौनते क्लास में है कौनते सेम में है कौनते सब्जेक्ट में है उसका नाम क्या है एड्रेस क्या है कॉन्टैक्ट नंबर क्या है पेरेंट्स का नाम क्या है उसने कितनी फीस भरी है कितनी फीस भरना बाकी है उसको स्कॉलरशिप कितनी दी है उसके रिजल्ट क्या है आज वो कॉलेज में आया था कि नहीं आया था उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी अटेंड किया उसमें क्या क्या अचीव किया तो फिर इतने सारे हम एंटिटी बनाएंगे अलग अलग अलग, अलग एक स्टूडेंट टेबल बनाएंगे एक टीचर टेबल बनाएंगे एक कोर्स टेबल बनाएंगे एक स्कॉलरशिप सेक्शन बनाएंगे एक फीस बनाएंगे तो ये होगी आपकी नीड फिर ये नीड होने के बाद में क्या करेंगे आप यूजर से डेटा कलेक्ट करेंगे ठीक है अब आपके ख्याल में आगे कि उनको स्कूल के लिए चाहिए और उनकी बेसिक यूजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको स्कॉलरशिप का भी पता चले ये भी पता चले वो सारी चीजें पता चले तो उसका आप करोगे टेक्स्टर रिप्रेजेंटेशन बनाओगे टेक्स्टुअल रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है कि टेक्सचुअल रिप्रेजन मतलब ठीक है चलो भाई आपका एक स्टूडेंट है उसके बाद में आपका ये टेबल है ये टेबल है तो सर आपको दस टेबल बनाने पड़ेंगे और इनके बीच में कुछ तो भी रिलेशन रखना पड़ेगा फिर आप डेटाबेस का कंसेप्ट चूज करोगे मतलब पहले आपने पेपर पर टेक्सचुअली बना लिया सपोज स्टूडेंट का है टीचर्स का है फिर आपने डेटा का कंसेप्ट चूज़ किया और बाद में चूज़ किया अप्रोप्रिएट डेटा मॉडल अब आप बोलेंगे सर फिर रिलेशनल जो डेटा मॉडल है तो मैं एक बेसिक एक बात बताता हूँ ये जो डेटा मॉडल है तो हम एक्चुअली इसमें कर क्या रहे हैं हम इसमें कर यही रहे कि हम इसके अंदर वही काम कर रहे हैं कौन सा काम कर रहे हैं मतलब हम इसके अंदर टेबल्स ही बना रहे हैं वी आर मेकिंग टेबल्स ओनली सिर्फ उनके बीच में रिलेशंस कैसे रहेंगे तो वो बेसिस पे हम डेटा मॉडल चूज करेंगे तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि अगर सपोज आपको स्टूडेंट और ये सारी चीज़ें तो हम इसको अगर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के हिसाब से डिफाइन करें तो ईजी हो जाएगा कि ठीक है ये एक एंटिटी मतलब अब आप बोलेंगे सर हमने इसको डिफाइन नहीं भी किया नहीं भी डिफाइन किया तो भी चलता आपको डायरेक्टली बताना पड़ेगा सर इतने सारे टेबल बनाएंगे तो सामने वाले बोलेंगे भाई तुम इतने इतने टेबल बना रहे ये टेबल आप क्यों बना रहे हो तो आपको उसको समझाना पड़ेगा देखो सर स्टूडेंट का रिलेशन इससे रहता स्टूडेंट का टेबल रिलेशन इससे रहता तो चलो ठीक है अब बोलेंगे स्टूडेंट का रिलेशन हज़ार टेबल से है अगर वह मैंने नहीं भी बताया तो क्या होगा तो होगा ये कि अगर स्टूडेंट टेबल का जो रिलेशन है वो अगर अगले दस टेबल से है तो आपको दोनों में कुछ ना कुछ एक प्राइमरी या फॉरेन की देने पड़ेंगे क्योंकि स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी देना पड़ेगा स्टूडेंट आईडी तो स्कॉलरशिप वाले टेबल में भी स्टूडेंट आईडी रहेगा अचीवमेंट वाले टेबल में भी स्टूडेंट आईडी रहेगा कोर्स आईडी वाले टेबल में भी स्टूडेंट आईडी रहेगा और जो कुछ भी टेबल है सब में स्टूडेंट आईडी रहेगा तभी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आएगा उनमें एक एट्रीब्यूट कॉमन रहेगा जिसके बेसिस पर आप रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हो तो करके फिर आपको डेटा मॉडल सिलेक्ट करने की जरूरत है तो यहां पर आपको समझाना पड़ेगा नहीं तो कोई भी बोल सकता टेबल ही बनाना है तो कोई भी टेबल बनाना नो इट इज नॉट लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विच आर द टेबल्स विच आर हैविंग रिलेशनशिप्स कि उनके बीच में क्या रिलेशन है तो इसलिए फिर यहां पर जो है इन दिस पर्टिकुलर केस द एंटिटी मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल वुड बी द बेस्ट वन तो यहां पर फिर आप एंटिटी मॉडल को चूज कर सकते हो तो हम बात कर रहे थे बेसिकली एंटिटी मॉडल की बात कर रहे थे तो पहले अपन ने क्या डाटा है उसकी नीड क्या है यूज़र की इंस्टीट्यूट के लिए होना बैंक के लिए होना और एक और इसमें और भी चीज़ें आती कि जैसे आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं आप कितनी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर ले सकते हैं आप उसके बाद में क्योंकि एक बार तो ये बना दिए लेकिन उसको आप ट्वेंटी फोर बाय सपोर्ट सेवन ट्वेंटी फोर बाई सेवन सपोर्ट कैसे दे सकते हैं कितने टाइम में आपको चाहिए कितना आपको डेटा चाहिए किस सिस्टम पर से आप रन करोगे आपके पास सारी सिस्टम्स अवेलेबल ऐसे कई सारी चीज़ें वो यूजर से हम लेंगे उसकी रिक्वायरमेंट लेंगे टेक्सचुअली प्रिपेयर करके उसको कंसेप्चुअली समझाएंगे सारी बातें और वो कंसेप्ट के बेसिस पर फिर हम एक मॉडल सेलेक्ट करेंगे समझ में आ गया और जब वो मॉडल सिलेक्ट करेंगे तो आपको समझाना आसान जाएगा कस्टमर को कि ओके, it is this model. देखो अब उसके बाद बोलते, तो हमने conceptual schema हमने मतलब हमने क्या क्या किया कंसेप्चुअल स्कीमा जो देखा था मतलब कर दिया उसको कि एक हमने की को एक में बता कि देखो भाई इस तरह का आपका मॉडल बन रहा इतने टेबल्स रहेंगे तो फिर अब ये छोटे से एक मॉडल बनाएंगे अब उसके बाद में लॉजिकल डिजाइन फेज और फिजिकल डिजाइन फेज अब लॉजिकल डिजाइन फेज और फिजिकल डिजाइन फेज अब इसमें क्या डिफरेंस है लॉजिकल डिज़ाइन फेज में हम उसको टेबल पे एकदम अभी तक तो हम ओवरव्यू दे रहे थे इस तरह होगा लेकिन जब हमको पूरा डाटा मिल जाएगा सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी पूरा डाटा सब उन्होंने बता दिया हमने डाटा मॉडल चूज़ कर लिया उसका कंसेप्चुअली बता दिया क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताया फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसके बाद में हम एक्चुअली बनाएंगे ऑन अ पेपर ऑन अ ब्लू या फिर हम किसी सॉफ्टवेयर के जरिए बना के दिखाएंगे कि ओके इतने इतने टेबल्स है साहब यानी वहाँ पर एक परफेक्ट उसको प्लान बनाएंगे पूरा परफेक्ट तो वो हो गया आपका लॉजिकल डिज़ाइन फेस वो हो गया आपका लॉजिकल डिजाइन फेज यानी आपने उसको क्या किया ए आर डायग्राम बना के दिखा दिया ई आर डायग्राम हमने इसके पहले देखा हुआ ई आर डायग्राम मतलब क्या होता है वो हमने उसको यहाँ पर बना के दिखा दिया तो वो हो गया था आपका लॉजिकल फेज ई आर डायग्राम आपने बना के दिखे थे जैसे ये एक टेबल है इसके बीच में एक रिलेशनशिप है दूसरा टेबल है ये इसके सपोज ये इसके इतने सारे एट्रीब्यूट्स है इसके इतने सारे एट्रीब्यूट्स है फिर यहाँ पर और एक रिलेशनशिप है यहाँ पर एक दूसरा टेबल है इसका इससे भी रिलेशनशिप है इसके भी कुछ तो भी एट्रीब्यूट्स है तो हम एक 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 पॉइंट के हर चीज़ के उसको हम पूरे का पूरा डिटेल बताएंगे कि ऐसा ऐसा आपका डेटाबेस बनने वाला हो गया लॉजिकल उसके बाद में फिर फिजिकल डिजाइन तो फिर उसके बाद में फिजिकल डिजाइन मतलब आपको सब बातें सोचने पड़ेंगी कि आपके टेबल में कितने कितने एट्रीब्यूट्स हैं उनके डेटा टाइप्स क्या है डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेम अगर रहेगा तो आपको कैरेक्टर्स यूज़ करना है नंबर्स है तो आपको इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करना है और कोई इन्फॉर्मेशन है तो और कोई डेटा टाइप यूज़ करना है एंड वो सारी थिंग ओके okay. तो ये हो गया था अपना डिजाइन फेस पूरा का पूरा कंप्लीट और यहां पर भी नहीं होता फिर आपने उसको डिजाइन बना के दे दिया फिर आपने किया कि हमने डेटाबेस डेटा लाइफ मॉडलिंग साइकिल देखी हुई है आपको अगर याद नहीं आ रहा तो फिर से आप रिवाइज करना उसमें क्या दिया था कि आप फिर क्या लोगे आपने अब डेटा बेस तो बना लिया लेकिन उसमें पूरी वैल्यूज आप इंसर्ट करोगे हर एक टेबल में जो कुछ भी वैल्यू आप सारे की सारी वैल्यूज इंसर्ट करोगे अब वो आप एक एक क्वेरी को नहीं करेंगे उसके बहुत सारे कि आप एक्सेल फाइल डायरेक्टली डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो जैसे यहाँ पर आपका एक्सेल फाइल में डेटा है उसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स है और आपने डेटा में जो बना एक टेबल उसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स है डेटा टाइप सेम है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हो जैसे अपन मोबाइल में कर देना कि हमारे सिम कार्ड में जितने भी नंबर है जब मोबाइल चेंज करते तो मोबाइल के सारे नंबर सिम कार्ड में ले लेंगे और अगले फोन में तो फोन मोबाइल में डाल देंगे या फिर दो सिम तो पूरा का पूरा आपका डेटाबेस तो तैयार हो गया और आपका डेटाबेस किस बेसिस पर तैयार हो गया ई मॉडल पर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बेसिस का पूरा तैयार हो गया फिर उसको रन करके दिखाएंगे अलग अलग क्वेरीज फायर करेंगे आपको ट्रेनिंग देंगे सारी बातें समझाएंगे और फिर आपको बाय बाय करके चले जाएंगे चलो अब आप सक्षम हो गए इसको संभालने के लिए यूज करने के लिए डाटा रिट्रीव करने के लिए अलग अलग रिपोर्ट जनरेट के लिए एंड देन इट इज बाय बाय और आफ्टर दैट फिर आपको अगर कुछ इशू आता तो आप उनको कॉल करोगे और वो सपोर्ट देंगे दैट इज कॉल्ड एस ट्वेंटी फोर बाय सेवन सपोर्ट जैसे हम सबको पता है कि आज की डेट में कॉल सेंटर कंसेप्ट कोई नया नहीं है फॉर एवरीथिंग इवन अगर आपको सपोज जैसे आप यूरोपियन uh, नेशन की बात करें तो अगर आपको कुकर लगाना है तो कैसे लगाएगा सो यू कैन कॉल तो आप कॉल सेंटर कॉल कर सकते हो दे विल हेल्प यू की ओके दिस इज दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू हैव टू यूज डिजाइन सो मेनी थिंग्स तो यह क्या था बेसिकली आपका डाटा बेस डिजाइन अब इसमें फिर आप देखो कि इसमें क्या होता है बेसिकली हमको चीजें जो कंसिडर करनी पड़ती है पिटफॉल्स क्या रहते कि सबसे मेन जो आता है कि डाटा बेस डिजाइनिंग मतलब कि आप डाटा बेस को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अब इसमें आपको क्या क्या अवॉइड करना पड़ता है एक ही डाटा को बार 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 स्टोर करके कर रखना जैसे आपने एक टेबल बनाया स्टूडेंट तो आपने उसमें उसका आईडी लिखा नाम लिखा उसके बाद में उसका एड्रेस लिखा एज लिखा ईमेल लिखा मोबाइल नंबर लिखा फिर आपने नेक्स्ट बनाया आपने स्कॉलरशिप टेबल उसमें आपने स्टूडेंट का फिर से आई लिखा फिर से नाम लिखा फिर से मोबाइल नंबर लेकिन और उसमें क्या था लेकिन अगर आप एक ही टेबल कॉमन दोनों में लेते तो स्टूडेंट आई एक ही एट्रीब्यूट स्टूडेंट आई डी पर भी स्टूडेंट आईडी डी वहाँ पर भी तो आपको इतने सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं थी और जितना जितना आप रिडेंडेंसी बढ़ाओगे मतलब रिपीटेशंस बढ़ाओगे कि एक ही चीज़ जगह जगह पे आप लिख रहे हैं तो फिर अब जब एक जगह करेक्ट करेंगे तो आपको हर जगह से करेक्ट करना पड़ेगा एक जगह से डिलीट किया तो हर टेबल से डिलीट करना पड़ेगा एक जगह अपडेट किए तो हर जगह पर अपडेट करना पड़ेगा तो फिर उसके वजह से क्या होगा एडिशनल स्पेस आपकी हर बार हर बार यूज होती चली जाएंगी तो दैट विल कॉट अ कैच ए बिगर इशू अगर इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन के इशू नहीं भी रहे तो भी सेम इंफॉर्मेशन अगर रिपीटेडिज वे में और उससे कुछ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन नहीं है कोई फायदे की बात नहीं है जैसे क्लास में एक ही एक, एक बात आपको रोज बताई जा रही तो उसमें कुछ फायदा नहीं है दैट इज दैट इज रिपीटेडी थिंग तो वो थिंग में कोई फायदा नहीं दैट इज रिडेंडेंसी हाँ रिविजन इज अ डिफरेंट पार्ट इट बट ये रिडेंडेंसी अवॉइड करने पड़ेंगे फिर तो दैट इज द मेन पिटफॉल सेकंड इनकम्प्लीटनेस कि इनकम्प्लीटनेस मतलब कि जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि मैसेज मी योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अब किसने क्या किया अपना फर्स्ट नेम लिखा लास्ट नेम लिखा और डेट ऑफ बर्थ को डी डी एम एम वाई 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 फॉर्मेट में सेंड किया किसी ने क्या किया फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम लिखा डेट ऑफ बर्थ को ऐसा था हाइफन डाला उसके बीच में एम एम डी डी वाई वाई में सेंड किया किसी ने सिर्फ फर्स्ट किसी ने लास्ट नेम मिडल नेम और फर्स्ट नेम इस तरह से लिखा और डेट ऑफ बर्थ को दूसरे फॉरन ने भेजा किसी ने सिर्फ फर्स्ट नेम और मिडल नेम भेज लास्ट नेम भेजा किसी ने डेट ऑफ बर्थ में ईयर नहीं भेजा तो ऐसी कई सारी चीज़ें चीजेंगे मतलब क्या होगा आपका डाटा एकदम परफेक्ट एक, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में वहां पर नहीं है इट इज़ इनकम्प्लीट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन प्रॉपर फॉर्मेट एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल एट प्रॉपर प्लेसेज तो मतलब आपके पास जो कुछ भी डाटा होना चाहिए था जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं है अगर अब ऐसा नहीं है तो आपको इसको फिर मॉडिफाई करने में बहुत दिक्कत जाने वाली है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कॉमन फॉर्मेट बताते हैं जब भी आप फॉर्म भरते हो ना किसी भी आप एग्जाम का फॉर्म भरते हो कॉलेज का फॉर्म भरते हो तो वो बेसिकली क्या करते हैं डेट के लिए आपको कैलेंडर ही प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर ओके दे अ कैलेंडर की भैया तुम तो उसमें सेलेक्ट करो वो ऑटोमेटिक जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में लेगा नेम का आपको स्पेसिफिकली दिया रहता जैसे आपके बोर्ड की इस पर है कि भैया आपके जो बोर्ड के मार्कशीट पे नाम है उससे भरोमेंगे लास्ट नेम मिडल नेम और फर्स्ट नेम वट इट इज तो फिर एक बिल्कुल एक सही से आ जाएगा और वैसे जो आपकी मार्कशीट बनती है उसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे कोड दिया है कि वन एट जीरो जीरो वन जीरो जीरो टू जीरो जीरो थ्री जीरो जीरो फोर उस हिसाब से मार्कशीट बनेंगे नहीं तो क्या होता था, था किसी ने जीरो जीरो फोर का पहले दिया फाइव का पहले दिया तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ डेटाबेस तो उसका एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है दट इज इनकम्प्लीटनेस तो ये दो चीजें हमको ख्याल में रखनी पड़ती उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग वर्म ने ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसके आगे का जो कुछ भी पार्ट है ये एक शॉर्ट में कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ ये देखो अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आता ये एक एंटिटी है लेक्चरर अब लेक्चरर के क्या क्या एट्रिट्यूट हो सकते हैं उसका नाम होगा है ना उसका नाम है उसका सपोज मोबाइल नंबर है उसका बेसिक स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट है और उसका एड्रेस है ये उसके एट्रीब्यूट्स है और ये एक टेबल है स्टूडेंट इसके एट्रीब्यूट्स है आई नेम और कोर्स अब उसके बाद में एक और है मॉड्यूल है ना मॉड्यूल में सपोज एक्स मॉड्यूल वाई मॉड्यूल जेड मॉड्यूल वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ तो अब लेक्चरर और इसके स्टूडेंट के बीच में क्या संबंध है तो लेक्चरर ट्यूटर्स स्टूडेंट्स मतलब वो लेक्चरर जो है वो पर्टिकुलर ये जो लेक्चरर है इस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो इसमें जो रेक्टेंगल में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे एन ये जो रिप्रेजेंट करते वो पर्टिकुलर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स और ये रिप्रेजेंट करते रिलेशन क्या रिलेशन है ट्यूटर स्टूडेंट बच्चों को पढ़ा रहा है और ऐसे हमारे पास मॉडल सपोज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मॉड्यूल या फिर आप सब्जेक्ट बोलो तो स्टूडेंट आप और सी एस सी टू इसमें क्या रिलेशन है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सी एस सी टू सी एस सी टू केरेक्टरिस्टिक्स के है इसमें छे सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में अलग अलग पॉइंट्स हैं एंड सो मैनी थिंग्स तो ये हो गया आपका इसको हम डिटेल में और देखने वाले ओके आई एल आई एल एक्सप्लेन इज ऑल थिंग्स इन द डिटेल तो अब हम वन बाय वन क्या करेंगे एक एक चीज जिस चीज़ें सामने आएंगी उसको हम लोग डिटेल में देखते चले जाएंगे सो आई एल सी इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन थैंक यू क्लास गुड डे जय हिंद